Hello my dear friends, welcome back. Dear students, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन जनरेट करता है कि इंटर की परीक्षा पास करने के बाद सेफ्टी फील्ड में करियर हम कैसे बनाएं, आफ्टर 10+2 हाउ टू डिसाइड करियर कि कैसे हम बनाएं, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको समझने में मैं कुछ आपकी हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ, उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। 10+2 के बाद से आपके पास बहुत से रास्ते होते हैं। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि 10+2 आपने PCM से किया या PCB से किया, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया या PCB बायो से किया, ठीक है। यदि आप ये दोनों साइंस ग्रुप्स हैं, दोनों साइंस ग्रुप से बहुत ही अच्छे अच्छे फील्ड्स आपको मिलेंगे। अगर आपने PCB किया तो इससे आपको मेडिकल्स में सेफ्टी मैनेजमेंट का वर्क्स मिल सकता है, बहुत सारी जो मेडिकल्स की कंपनियां हैं उसमें आप जा सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर PCM आपने किया हुआ तो आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, सिविल के क्षेत्र में सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं और अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं। चलिए कुछ और चीज़ें जानते हैं, ये तो बेसिक हुआ। सबसे पहले आपको किसी भी फील्ड में जाने से पहले HSE क्या है इसके बारे में आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, इससे वाकिफ हो जाए आप कि HSE क्या है। HSE का जो फुल नेम आता है वो होता है हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट, यानी इसमें हेल्थ के बारे में, दूसरा तीन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, थ्री थिंग्स के बारे में स्टडी हम करते हैं, पहला हेल्थ के बारे में, दूसरा सेफ्टी के बारे में और तीसरा इन्वायरमेंट के बारे में। ये तीन चीज़ों से मिल करके ये HSE बनता है। तो इन्हीं के बारे में हमेशा हम काम, सेफ्टी मैनेजमेंट, एक सेफ्टी स्पेशलिस्ट जो होता है वो इन तीनों को लेकर हमेशा चलता है, हेल्थ को भी लेगा, सेफ्टी को और इन्वायरमेंट, तीनों को लेकर के हम चलते हैं। अब दूसरी बात, डिसाइड योर फील्ड। सबसे पहले आपको डिसाइड करना हो, जैसे मैंने अभी बोला कि PCM किया, PCB किया, तो आपको किस फील्ड में जाना है ये डिसाइड कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना शुरुआत करिए, तैयारी शुरुआत करिए, ये डिसाइड कर लीजिए। डिसाइड करने के लिए ये आपकी रुचि बताएगी, ये आप किस में हैं, इंटरेस्टेड हैं, दूसरा कोई भी नहीं बता पाएगा आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, ये आप खुद तय करेंगे कि मुझे ये चीज़ जानना है। हाँ, उसके लिए शुरुआत अगर करते हैं तो आपको बेसिक बुनियादी चीज़ों की जानना जरूरी है, और ये बेसिक कोर्स जो होते हैं, आप दिल्ली में हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिससे आप कर सकते हैं, जो सारे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हैं और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी हैं जहाँ पर आप ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। ये 3 डेज या 4 डेज का एक वर्कशॉप होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप HSE के बारे में आपको बेसिक नॉलेज आपको मिल सकता है, ठीक है, आप उसे समझ पाएंगे, समझने के लिए एबल हो जाएंगे। दूसरा आता है, बेसिक नॉलेज लेने के बाद से आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, HSE डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, ये भी कई तरह के कोर्स हैं, ये बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका पैटर्न जो होता है इंटरनेशनल और नेशनल दोनों को फॉलो करता है। तो आप सर्च करके, आप दिल्ली में तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से लोग जो दिल्ली, लखनऊ, मुंबई हैं उनके पास ऑप्शंस हैं, वो जा सकते हैं। प्रॉब्लम्स उनको होती है कि जो इनसे आउट ऑफ सिटी हैं, यहाँ से दूर हैं और आपके गांव दूर दराजों के क्षेत्र में हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन आप जो लोग इन मेट्रो सिटी में रहते हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप वहाँ सर्च करिए और उसके बाद से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स में क्या होता है कि आप काम करने के लिए एबल हो जाते हैं, आप किसी भी कंपनीज में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए एबल हो जाते हैं, आपकी जानकारी अच्छी होने लगती है, ठीक है। अगर आपको और बेहतर करना है, अगर और बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्सेज जो होते हैं हमारे यहाँ जो है इंडिया में UGC ऑर्गेनाइज करती है और यूनिवर्सिटियाँ, कई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ये 3 इयर्स का कोर्स होता है और इसके साथ साथ सेफ्टी कोर्स के साथ साथ आपकी एक तरह से इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हो जाता है और ये बेहतर होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा आपके करियर के लिए।
तो ये कोर्स बेसिक जानकारी, ये डिपेंड करता है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि आप कितना अफोर्ड कर पाते हैं, ये भी है कि आप पैसा कितना अफोर्ड कर पाते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो काफ़ी पैसे आपसे मतलब लेते हैं टेस्ट, क्योंकि वो ट्रेनिंग भी देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग देते हैं। उनकी ट्रेनिंग जो होती है डायनेमिक होती है, तो वहाँ भी आप कितना अफोर्ड कर पाते हैं ये भी आप देख लेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेहतर कोर्स है, आप डिग्री कोर्स करें, डिप्लोमा कोर्स करें या बेसिक। तो ये तीन कैटेगरीज है, और तीन कैटेगरीज करने के बाद से आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी और आप बेहतर कर पाएंगे। सेफ्टी ऑफिसर का जॉब जो होता है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और ये एक लग्जरियस जॉब बोला जाता है। बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी ग्रो करने लगती है। ये सैलरी शुरुआत में जो है जो होती है वो 25 से 30 हज़ार की होती है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये लाखों में चली जाती है। ठीक है, ये वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। इंजीनियरिंग कोर्सेज अगर आप कर लेते हैं साथ में, इंजीनियरिंग कोर्सेज करने से दो फायदे होते हैं, क्योंकि आप तो उस फील्ड के भी स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, प्लस सेफ्टी के भी हो जाते हैं। तो कोई भी, जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी उस बंदे को प्रीफर करेगी जो इंजीनियरिंग भी जानता हो। और जैसे सपोज करिए किसी ने सिविल किया, किसी ने मैकेनिकल की डिग्री लिया, पॉलिटेक्निक किया, बीटेक किया, एमटेक किया, और उसके बाद सेफ्टी कोर्स करता है, तो उसकी जो है प्रायोरिटी जो होगी वो सबसे पहले होगी, किसी भी व्यक्ति से पहले होगी। तो इंजीनियरिंग कोर्स, तीन ऑप्शन आपके पास है, बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं, डिप्लोमा से शुरुआत कर सकते हैं, इंजीनियरिंग से शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम्स आता है तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं, sstdevaria@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, और जैसे ही मुझे आपका मेल मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स कर सकूँ। तो आप 10+2 के बाद आप अपने करियर की शुरुआत करिए। इसके लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।